नमस्कार, वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। हमें लाइफ में एवरी नाउ एंड देन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ डील करना पड़ता है, चाहे वो प्रॉपर्टी पेपर हो, चाहे वो आधार कार्ड पैन कार्ड हो, चाहे वो एजुकेशन सर्टिफिकेट हो या फिर इंश्योरेंस पेपर। ये सब डॉक्यूमेंट्स बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पर हमें ये आसानी से मिल जाए। ये जो छोटा सा कागज का टुकड़ा होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज होता है, और अगर खो जाए तो ये सबका डुप्लीकेट कॉपी निकालना बहुत ही मुश्किल का काम है, बहुत सारे पेपर मिलना पड़ता है ना। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नमस्ते, मैं हूं अमृता, वेलकम टू हैप्पी होम मेकिंग। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन क्लीनिंग डीआईवाई एंड शॉपिंग रिलेटेड वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब हैप्पी होम मेकिंग, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो प्लीज क्लिक द बेल आइकन, ताकि मेरी कोई भी न्यू अपलोड मिस ना करे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार आपका डॉक्यूमेंट्स जो है उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए सोच रहे हो तो सबसे पहले एक फ्री दिन चूज कीजिए। ये जो काम है ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा हेक्टिक है, तो ठंडा दिमाग और फ्री टाइम दोनों चीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले घर में जो भी पेपर्स अवेलेबल है उसे इकट्ठा करें, आपकी हैंडबैग, ऑर्गेनाइजर्स की पॉकेट, डिफरेंट ड्रॉयर्स सब चेक करें और पेपर्स कलेक्ट करें। देन मेक सम लेवल्स। आपको कौन कौन सा लेवल चाहिए होगा वो आपको इस वीडियो देखने से पता चल जाएगा। अभी जो भी डॉक्यूमेंट्स या पेपर आपने कलेक्ट किया है उसे इस लेवल के हिसाब से सॉर्टिंग कर ले, और अनवांटेड पेपर्स देन एंड देन डिस्कार्ड करें। नाउ इट्स टाइम फॉर फाइलिंग। डॉक्यूमेंट्स को फाइलिंग करने के लिए आपको कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स की जरूरत होगी। ये सब फाइल्स एंड फोल्डर्स आपको इजिली किसी भी स्टेशनरी शॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। Use separate files for each family member. आजकल हर एक हॉस्पिटल पेशेंट्स के लिए फाइल प्रोवाइड करता है, जस्ट यूटिलाइज देम। रिसेंट एंड ओल्ड प्रेस्क्रिप्शन रेस्पेक्टिव फाइल में ऑर्गेनाइज करके रखिए। ओपीडी चार्जेस बिल, मेडिसिन बिल, ये सब का जो बिल्स है वो भी आप सेम फोल्डर के अंदर फर्दर रीएम्बर्समेंट या टैक्स बेनिफिट के लिए ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर आप ग्लासेस यूज करते हैं तो पावर कार्ड और नेक्स्ट चेकअप डेट मेंशन किया हुआ नोट भी रेस्पेक्टिव फाइल में ऑर्गेनाइज करके रखिए। बच्चे के लिए एक डेडिकेटेड फाइल होना बहुत जरूरी है, उसमें प्रेस्क्रिप्शंस के साथ साथ वैक्सीनेशन कार्ड भी जरूर संभाल के रखें, क्योंकि कुछ स्कूल में एडमिशन के टाइम वैक्सीनेशन कार्ड शो करना बहुत जरूरी होता है। एक आर्काइव मेडिकल फोल्डर जरूर रेडी रखें। इस फोल्डर में सभी फैमिली मेंबर की मेडिकल हिस्ट्री संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी फैमिली मेंबर की कोई सर्जरी हुआ है या किसी भी तरह के हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी है तो उस टाइम का जो डिस्चार्ज समारी है उसे संभाल के रखें। आपकी डिलीवरी की डिस्चार्ज समारी, बच्चे का बर्थ टाइम की जो डिस्चार्ज समारी है उसे भी ये आर्काइव फोल्डर में संभाल के रखें, और ये सभी फाइल्स को एक साथ एक फोल्डर के अंदर ऑर्गेनाइज करके रखिए एंड फोल्डर को जरूर लेबल कीजिए। तो अगर आप इस तरीके से मेडिकल फाइल्स को ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपके घर के हर एक फैमिली मेंबर्स को ये पता रहेगा कि ये जो मेडिकल लेबल किया हुआ फोल्डर है इसमें मेडिकल रिलेटेड हर एक डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। प्रॉपर्टी के लिए एक अलग से फोल्डर जरूर रखें। अगर आपका खुद का घर है या फ्लैट है तो उस रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स लाइक प्लान रिलेटेड पेपर, टैक्स रिलेटेड पेपर, एनी काइंड ऑफ एनओसी पेपर, अगर आप लोन लेके रखा है तो हाउस लोन रिलेटेड पेपर, ओनरशिप ट्रांसफर पेपर, ये सब कुछ एक ही फाइल में ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास कार है तो कार रिलेटेड सभी पेपर एक जगह पे रखें। आजकल हर एक कार कंपनी इस टाइप के फाइल प्रोवाइड करता है तो इसे यूटिलाइज कीजिए, और इसमें ब्लू बुक के साथ साथ सभी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भी ऑर्गेनाइज करके रखें। कार रजिस्ट्रेशन पेपर, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड पेपर, फास्टैग रिलेटेड पेपर, अगर आपने लोन लिया है तो लोन का पेपर, अगर लोन खत्म हो गया है तो बैंक का जो एनओसी है उसका पेपर, कार की जो बिल है उसे भी संभाल के रखें। तो अगर आप फ्यूचर में कार सेल करने के लिए सोच रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कोई भी परेशानी के सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। कार में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड कार इंश्योरेंस की एक जेरॉक्स कॉपी
जरूर रखा करें। हम इंडियंस को बहुत सारे कार्ड हैंडल करना पड़ता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब कुछ कभी कभी एक हेडेक बन जाता है। तो ये सब कुछ संभल के रखने के लिए मैं इस टाइप का एक बॉक्स यूज करती हूँ, जिसमें मैं हमारे जो पासपोर्ट है उसके साथ साथ ये सब कार्ड भी एक जगह पे ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ। बैंक डॉक्यूमेंट के लिए एक अलग से फोल्डर रखें। हालांकि आजकल बैंक वर्क ऑलमोस्ट ऑनलाइन हो गया है, फिर भी बैंक का जो पासबुक्स है, जो चेक बुक्स है, कुछ एक्स्ट्रा जो कार्ड्स हमारे पास होता है, उसके साथ साथ कुछ पासपोर्ट फोटोज एंड एक पेन और एक वाइट पेपर्स, ये सब कुछ एक फोल्डर के अंदर जरूर ऑर्गेनाइज करके रखें। तो अगर आपको बैंक जाने की जरूरत पड़े तो यू जस्ट ग्रैब दिस फोल्डर एंड यू आर गुड टू गो। एक हैंडी यूटिलिटी फोल्डर जरूर रेडी रखें, क्योंकि हमें काफी सारे कामों के लिए हाउस रेंट एग्रीमेंट, गैस बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब की जरूरत होता है। तो इस यूटिलिटी फोल्डर में हाउस रेंट एग्रीमेंट, हाउस मेंटेनेंस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, गैस बिल फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, अगर आपको वाटर बिल पे करना पड़ता है तो वाटर बिल, किसी भी टाइप के मंथली अनपेड बिल आप इस फोल्डर में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इससे आपको एक बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और आपका सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एक ही फोल्डर में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है इंश्योरेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट। इंश्योरेंस मेनली 3 टाइप का होता है, एक कार रिलेटेड इंश्योरेंस, मेडिकल रिलेटेड इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। अभी ये जो 3 इंश्योरेंस है इसे संभाल कर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर ऑब्वियस रीजंस। आपके घर में जो भी वर्किंग फैमिली मेम्बर है उन सभी का एक लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, एंड वो सभी लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एक फोल्डर के अंदर होना भी बहुत ज़रूरी है। जो मेडिकल इंश्योरेंस है, मैं सजेस्ट करूँगी कि ये मेडिकल इंश्योरेंस आपका जो मेडिकल रिलेटेड फोल्डर है उसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रखिए। नॉर्मली ये सजेस्ट किया जाता है कि सभी इंश्योरेंस रिलेटेड पेपर एक ही फोल्डर में रखना चाहिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी इंश्योरेंस पेपर भी आप रिलेटेड डॉक्यूमेंट के साथ ही ऑर्गेनाइज करें। जैसे मेडिकल फोल्डर में मेडिकल इंश्योरेंस, कार रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में कार इंश्योरेंस, लाइक दैट। ये सब इंश्योरेंस हमें ज़रूरत पड़ती है लाइफ के बहुत हार्ड टाइम में, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स संभल के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक इन्वेस्टमेंट आजकल ऑनलाइन होता है तो पेपर डॉक्यूमेंट की उतना ज़रूरत होता नहीं है, फिर भी सभी इन्वेस्टमेंट की एक हार्ड कॉपी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस टाइप के एक फोल्डर रख सकते हैं जिसके अंदर आप सभी हार्ड कॉपीज़ को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आप हार्ड कॉपी रखना पसंद नहीं करते हैं तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, उसका एक लिस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट किस बैंक में है, इसके साथ साथ उसका जो मैच्योरिटी डेट है वो भी वो लिस्ट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योर स्पाउस शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बिल्स, वारंटी कार्ड, AMC पेपर्स हमेशा संभल के रखें। कुछ भी चीज़ एक्सचेंज करने के लिए या फिर वारंटी पीरियड के अंदर फ्री रिपेयरिंग के लिए दिस बिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स या किचन अप्लायंस के साथ जो मैनुअल्स आते हैं उसे भी संभल कर रखना ज़रूरी है। जो बिल्स वारंटी के तौर पर यूज़ ना किया जाता है, लाइक गारमेंट परचेसिंग बिल, ग्रॉसरी वगैरह के बिल, उसे 1 मंथ के लिए संभल के रखें। आई यूज़ दिस हैंगिंग ऑर्गेनाइजर टू कीप ऑल माई ऑर्डिनरी परचेस बिल। अगर मुझे कुछ भी एक्सचेंज करने की ज़रूरत पड़े तो ऑल बिल्स आर इजी टू फाइंड, और ये सब बिल्स मंथली बजट ट्रैक करने में भी हेल्प करता है। बिल्स जो वारंटी के साथ आता है, वारंटी कार्ड्स, AMC पेपर, यूज़र मैनुअल्स, ये सब ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं इस टाइप का एक डिवाइडर फोल्डर यूज़ करती हूँ। ये डिवाइडर फोल्डर बहुत ही यूज़फुल है, ये एक लेबल के साथ आता है तो इट इज़ वेरी इजी टू नो कि कहाँ पे क्या रखा है। जैसे कि रेफ्रिजरेटर लिखा हुआ कंपार्टमेंट में, मैं रेफ्रिजरेटर रिलेटेड जो भी मैनुअल से, बिल से, वो सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। अगर आपके पास कुछ AMC पेपर है तो उसे भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के साथ ही ऑर्गेनाइज करें। मेरी ज्वेलरी बिल्स भी मैं इस फोल्डर में ही ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ।
एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए दिस टाइप ऑफ एल्बम ऑर्गेनाइजर इज द बेस्ट। इस टाइप के डिस्प्ले फोल्डर में आप आपका सभी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स के साथ साथ बाथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट्स ये सब भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स या स्कूल स्टूडेंट्स के लिए दिस फोल्डर इज वन ऑफ द मस्ट हैव ऑर्गेनाइजर। सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की एटलीस्ट 2 जेरॉक्स कॉपी घर में हमेशा रखिए और इसे एक फोल्डर के अंदर ऑर्गेनाइज करके रखिए, क्योंकि हमेशा जरूरत पड़ने पर प्रिंट आउट निकालना या फिर शॉप में जाके जेरॉक्स करके लेके आना पॉसिबल होता नहीं है, तो एक जेरॉक्स कॉपी का फोल्डर जरूर रखें। बच्चे का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के लिए भी एक अलग से फोल्डर रखें, उसमें एडमिशन एंड स्कूल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, मनी रिसीट, आधार कार्ड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स, रिपोर्ट कार्ड्स, ये सब एक जगह पे ऑर्गेनाइज करके रखें। मैं मेरे बेटे का सभी डॉक्यूमेंट्स इस फोल्डर में ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। अभी वो छोटा है तो ये फोल्डर उसके लिए काफ़ी है, तो वो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा आई विल यूज डिफरेंट फोल्डर्स अकॉर्डिंगली। नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोल्डर। IT returns के हर एक डॉक्यूमेंट्स के एक हार्ड कॉपी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट लास्ट 5 years में आप जो भी IT returns रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उसका हार्ड कॉपी निकल के एक फोल्डर बना के ज़रूर रखें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फोल्डर है ये आर्काइव फोल्डर। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसा भी होता है जो कि हमें वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन वंस इन ए ब्लू मून यू माइट नीड देम। जैसे कि गैस अप्लाई डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई डॉक्यूमेंट, ओल्ड जॉब रिलेटेड डॉक्यूमेंट, ओल्ड IT returns, ये सब हमें वैसे तो ज़रूरत होता नहीं है लेकिन ये सब हम फेंक भी नहीं सकते, तो इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स के लिए आर्काइव फोल्डर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अपना बचपन का स्कूल रिपोर्ट कार्ड, सर्टिफिकेट्स भी इस आर्काइव फोल्डर में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स के इंपॉर्टेंस को लेकर हम थोड़ा सा दुविधा में होते हैं कि उसे रखना चाहिए या फेंकना चाहिए। इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स जिसका इम्पोर्टेंस के बारे में आप उतना श्योर नहीं है उसे ये आर्काइव फोल्डर में स्टोर करें। सभी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की एक डिजिटल कॉपी होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्कैन एवरी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हाउस रेंट एग्रीमेंट, गैस बिल्स, ये सबका एक फोल्डर बनाइए और उसे एक पेन ड्राइव में सेव करके रखिए। स्कैन करने के लिए आपको प्रिंटर या स्कैनर की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी स्कैनिंग ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और डॉक्यूमेंट स्कैन करके एक पेन ड्राइव में स्टोर करें। और इस पेन ड्राइव को आप अपना हैंड बैग में स्टोर करके रखें ताकि जरूरत पड़ने पर किसी भी जगह पे आप ये सब डॉक्यूमेंट इजीली एक्सेस कर पाए। यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ पेन ड्राइव जिसको आप मोबाइल एंड लैपटॉप दोनों डिवाइस पे ही यूज कर सकते हैं। मैं ये सब डॉक्यूमेंट्स क्लाउड पे या फोन पे भी आपको स्टोर करने के लिए बोल सकती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सब पर्सनल डॉक्यूमेंट्स फोन पे या क्लाउड पे रहना उतना ज्यादा सिक्योर है, तो प्लीज यूज अ पेन ड्राइव। आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन डीलिंग्स करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे पासवर्ड्स हैं एंड उस पासवर्ड को याद रखना भी एक बहुत ही मुश्किल का काम है। आप एक काम कर सकते हैं, आप एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड एक्सेल शीट बना सकते हैं एंड उसमें सभी पासवर्ड को लिख के रख सकते हैं। सभी फैमिली मेंबर्स की पासपोर्ट या स्टैम्प साइज फोटोज अलग अलग एनवेलप में रखें ताकि जरूरत पड़ने पर आपको ये आसानी से मिल जाए, और एनवेलप के ऊपर नाम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलना। कुछ फोटोज आप अपनी वॉलेट में भी रखें ताकि यू कैन सेव बोथ योर मनी एंड टाइम व्हेन यू रियली नीड देम। नेक्स्ट स्टेप इज टू स्टोर ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स इन अ प्रॉपर वे। I will suggest आपका जो बैंक डॉक्यूमेंट्स है एंड जो कार्ड्स वगैरह है उसे आप अलमीरा में स्टोर करके रखें।
बाकी के सभी फाइल्स एंड फोल्डर किसी सेफ प्लेस में रखें और ये प्लेस के बारे में सभी फैमिली मेंबर्स को पता होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपका लाइक और कमेंट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। मैं मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।